एजुकेशन एरिनाकर खौदा ब्लॉक में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 8 के लिए एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन है टोटल। 6 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे और 6 क्वेश्चन दूसरे पार्ट। क्या है ये एक्सरसाइज? चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमने लिया समलंब चतुर्भुज। ये है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की क्या पहचान है? कि इसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। दूसरा समांतर हो या ना हो, परंतु जो शर्त है वो ये है कि कम से कम एक युग्म समांतर हो। तो इस चतुर्भुज PQRS में PQ समांतर है RS। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। दूसरी जो चतुर्भुज था हमारा वो था पतंग के आकार का चतुर्भुज। अब पतंग के आकार का आप सबने देखी है पतंग। पतंग के आकार के चतुर्भुज की क्या पहचान है? कि उसकी आसन भुजाओं का जोड़ा, दोनों आसन भुजाओं के जोड़े समान होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। जैसे यहां ए बी सी डी मैंने लिया, ए बी और ए डी ये दो आसन भुजाएं हैं, ये समान होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। इन पे मैंने ऐसे ही निशान लगाए हैं, जो एक निशान लगा है वो आपस में बराबर, जिन पे दो निशान लगे हैं वो आपस में बराबर। और इनके कोणों का एक जोड़ा भी समान होता है, एक युग्म भी समान है, वो कौन सा है? कोण बी जो है वो समान होगा कोण डी के। कोण ए जो है वो समान नहीं होगा कोण सी। ये था पतंग की तरह के चतुर्भुज के बारे में। इसके बाद आया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो युग्म, या कह लो जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। यदि वे समांतर होंगी तो निश्चित तौर पर वे बराबर भी होंगी। अगर दोनों युग्म समांतर होंगे तो वे बराबर भी होंगे। तीसरी बात, इनके आमने सामने के कोण, जिन्हें कहते हैं सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण भी समान होंगे। जैसे यहां ए बी सी डी मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया, इसमें ए बी भुजा समांतर है सी डी के, ये समांतर का निशान है। समांतर का निशान क्या है? ऐसे ये, और ए डी समांतर होगी बी सी। ठीक है, अगर ए बी सी डी के बराबर समांतर होगी तो निश्चित तौर पर दूसरी भी भुजा, दूसरा युग्म भी समांतर है तो निश्चित तौर पर ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी होगी और इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तीसरी एक और बात है इसमें कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का क्या अर्थ है? दो समान भागों में बांटेंगे, एक विकर्ण को बीच में से काटेंगे। अब इसके अवयव, समांतर चतुर्भुज के अवयव अभी मैंने डिस्कस किए हैं, क्या क्या हैं? इसकी 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष और 2 विकर्ण, उन सब के बारे में आपको यहां बता दिया है मैंने कि वो किस प्रकार के होंगे। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3 में, जिसे हम दो भागों में करेंगे।
तो चलें अभी इसके हम पहले 6 क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपने आज एक्सरसाइज घर से करनी है। पहले 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में क्या कहते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ध्यान करें हम, समांतर हैं और बराबर भी हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। क्या पूरा करना है हमने, इसका पहला भाग है ए डी बराबर है, यहां पे खाली स्थान हमने भरना है। तो ए डी, अभी मैंने कहा कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, तो ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के। खाली स्थान में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी के बराबर होगी। इसी प्रकार कौन, दूसरे भाग में कौन डी सी बी बराबर, कहां पे पड़ा है कौन, डी सी सी बिंदु पर, ये कौन बराबर है, खाली स्थान दिया है। अब इसकी मैंने परिभाषा में आपको ये बात भी बताई थी कि इसके आमने सामने के कोण भी समान होते हैं, तो सी के सामने कौन सा कोण है, ये हम क्या लिख देंगे, कोण डी ए बी, जिस बिंदु पे कोण बने उस बिंदु को हमेशा बीच में रखते हैं कोण का नाम लिखते वक्त। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। इसके चौथे भाग में क्या लिखा है, तीसरा भाग आप कर लेंगे, चौथे भाग में क्या है, एम डी ए बी जमा में एम सी डी ए, इनका माप कितना होगा। एम, एम से कुछ मतलब नहीं, एम का मतलब है मेजरमेंट, माप उसका, किस कोण का, डी ए बी का, डी ए बी ये कोण, जमा में कोण सी डी ए, सी डी ए ये कैसे कोण हो गए, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण आसन कोण है, और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ है उनका योग 180 डिग्री होता है, तो यहां इनका योग कितना हो गया, 180। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। अब आइए हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बड़ी ही इंटरेस्टिंग और आसान प्रश्नावली है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें 5 चित्र दिए हैं, मैं एक लेता हूं। ये पहला हमें दिया है, ए बी सी और डी, ये हमारा दे रखा है 100 डिग्री का, ये एक्स ये वाई और ये जेड। हमने x, y, z का मान निकालना है। सबसे पहले हम y का मान देखें। मैंने बताया था आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो b बराबर है तो y भी कितना होगा, 100 डिग्री। दूसरी बात मैंने बताई थी कि आसन कोण संपूरक, उनका जोड़ 180, इसका मतलब ये 100 है तो ये कितना होगा, x बराबर होगा 180 घटा 100, यानी कि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, 80। x जब 80 डिग्री है तो x के सामने का z भी कितना होगा, 80। बस ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्या है उसमें? क्वेश्चन नंबर तीन में, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन में है, एक क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये कह रहा है क्या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी, पहला पूछा है भाग, यदि कोण डी जमा कोण बी कितने हो? 180 डिग्री। बिल्कुल हो सकता है, कोण डी और कोण बी बराबर तो है ही, लेकिन ये कह रहे हैं इन दोनों का जोड़ भी 180, बराबर भी हो और 180 जोड़ भी हो, ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों कितने कितने के हो? 90-90 डिग्री के, प्रत्येक कितने का हो? 90 डिग्री। और ऐसा किस में होता है? वर्ग और आयत में, तो ऐसा हो सकता है, हर जगह संभव नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। दूसरा, ए डी बराबर ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ए डी 4 और बी सी 4.4 सेंटीमीटर, ऐसा चतुर्भुज तो संभव है लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होगा वो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका तीसरा भाग भी कर देंगे। चौथा, तीसरे की तरह है बिल्कुल, चौथा क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन कोणों का अनुपात 3:2, यानी कि आसन कौन 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 से हुए? बी और सी, बी कोण बी अनुपात कोण सी कितना है? 3:2। और मैंने यह भी कहा है कि आसन कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 संपूरक, तो यहां 3x ले लिया हमने बी को और सी को ले लिया 2x, वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। समीकरण सरल हमने की थी, वो हर जगह काम आएंगी, तो 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 बटे में 5, 5 × 3 = 15, 3 + 0 = 5 × 6 = 30, x 36 डिग्री, तो 3x जो ये हमारा कोण था 3x और ये था 2x, x 36 आ गया, तो 3x कितना आ जाएगा? 36 × 3 = 108 डिग्री, ये कोण हमारा आ गया 108 डिग्री। 2x 36 × 2 = 72 डिग्री, ये कोण कितना आ गया? 72 डिग्री। अब बाकी कोण हम निकाल देंगे, ए भी कितना होगा इसके आमने सामने के बराबर है 72 डिग्री, और ये कितना होगा 108 डिग्री। तो इसके बाद ये था पांचवा, और एक रह गया अब तुम्हारे लिए छठा क्वेश्चन। तो आज घर से आप एक्सरसाइज 3.3 के पहले 6 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।